अच्छा, आज जो हमने प्रैक्टिकल करना है वो है GVP। ठीक है, GVP के लिए सबसे पहले आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे इस प्रैक्टिकल के। बेसिकली वो है कि आपको पता होना चाहिए हाउ टू डिफाइन GVP, व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ GVP और डिफरेंट पार्ट्स GVP के आने चाहिए मस सबको। इंट्रोडक्शन में भी यही है, मेनली डेफिनेशन ऑफ जेवीपी आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अ वे ऑफ रिदमिक एक्सपेंशन इन द जुगुलर वेन ड्यू टू प्रेशर चेंजेस इन द राइट एट्रियम। फिर जो कि हम देखते हैं विजिबल होती है उसकी एक्सपेंशन, तो हम उसको मैयर कर लेते हैं। हमारे पास इस तरह जेवीपी आता है इनडायरेक्ट मेथड से। दो मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट, लेकिन हम यहाँ पे लैब में इनडायरेक्ट मेथड से परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास पार्ट्स ऑफ जेवीपी। ये आप लोगों ने पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये ऑप्शन भी आ सकते हैं। थ्योरी के इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ जेवीपी पढ़ने हैं, एंड ऑल्सो ये भी पढ़ने हैं कंडीशंस विच कैन लीड टू राइज इन जेवीपी। देन आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस प्रैक्टिकल। रिक्वायरमेंट्स आपको क्या चाहिए, वो एक स्केल चाहिए मेयर करने के लिए, पेंसिल चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए और काउच चाहिए। उसके बाद प्रोसीजर आप परफॉर्मेंस वाली वीडियो में देखेंगे प्रोसीजर जो हमने बनाया है। एंड देन प्रिकॉशंस, इसकी आप लोगों ने याद रखनी है कि पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रैक्टिकल में। पोजीशन सब्जेक्ट का हेड एंड हमेशा 45 डिग्रीज होना चाहिए, तभी आपको विजिबल होंगी, वरना आपको जेवीपी विजिबल नहीं होगी। और सब्जेक्ट रिलैक्स होना चाहिए और बिल्कुल रूम में बहुत अच्छी एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए, तब आपको ईजिली विजिबल हो जाएगी पल्सेशंस। बस अच्छा, आज जो हमने प्रैक्टिकल करना है वो है जेवीपी। सबसे पहले हम जेवीपी की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। उसके लिए हमें एक पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए, काउच चाहिए और सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट की पोजीशन इस प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सब्जेक्ट का हेड एंड 45 डिग्रीज पे रखना है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ताकि हमें जेवीपी ईजिली नज़र आ जाए और हम आसानी से उसको मैयर कर सकें। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। उसके लिए हमने पहले एक्सटर्नल एंगल पे हमने स्केल रखना होगा, तो हमने एक्सटर्नल एंगल फील करना है। एक्सटर्नल एंगल हम देखेंगे जुगुलर नॉट से हम नीचे आएंगे मूव करते हुए, तो हमें एक बोनी प्रोमिनेंस फील होती है, ठीक है, अगेंस्ट द सेकेंड रिब। ये हमारे पास एक्सटर्नल एंगल होगा यहाँ पे। इधर से अब हमने सब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे मूव करना होता है इनकी नेक, ठीक है, तो ये आपके पास राइट साइड पूरी विजिबल है। जब राइट साइड विजिबल होगी, आप यहाँ से देख सकते हैं पल्सेशंस आपको ईजिली विजिबल होनी है। ये देखिए यहाँ पे विजिबल हो रही है, ठीक है। जेवीपी में ये है कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जब आप इसको पैल्पेट करेंगे तो आपको पैल्पेट नहीं होगी, ये वीनस पल्सेशंस हैं, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। एक्सटर्नल एंगल पे मैंने आपको बताया था, हम एक्सटर्नल एंगल फील करते हैं, ठीक है, बोनी प्रोमिनेंस आएगा। उस पर हमने स्केल रखना है, स्केल में सेंटीमीटर्स होने चाहिए और वो जो 0 सेंटीमीटर है वो ऐसे वर्टिकली एक्सटर्नल एंगल पे प्लेस्ड होगा। अब ये जो हमें यहाँ पल्सेशंस नज़र आ रही थी, ठीक है, ये देखें, इसका हायर एंड हम लेंगे जहाँ पे हायर एंड, जहाँ तक हमें पल्सेशंस नज़र आ रही हैं उस पर हमने अपनी पेंसिल रखनी है और यहाँ से हम वर्टिकली स्केल की तरफ आएंगे। ये पल्सेशंस हैं, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से हम मेयर करेंगे और उस पर हमने अपनी पेंसिल रखनी है और यहाँ से हम वर्टिकली स्केल की तरफ आएंगे। ये पल्सेशंस हैं, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से हम मेयर करेंगे और ये देखिए, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर। ये हम नोट कर लेंगे 2 सेंटीमीटर यहाँ से। उसके बाद हम अपन प्रैक्टिकल पे यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमें 2 सेंटीमीटर नज़र आया है। 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर आगे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा व्हाट इज जेवीपी। जेवीपी वाले प्रैक्टिकल में आप लोगों ने इधर लिखना है अपनी कॉपीज में ऑब्जर्वेशन वाले टेबल में, जो यहाँ पे जो है ना जेवीपी डैश सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे जो आपने मेयर किया है, जो आपके पास जेवीपी आई है उस टाइम। जैसे मेरे पास जो मैंने मेयर किया था 2 सेंटीमीटर था, तो मैं यहाँ 2 सेंटीमीटर लिखूंगी, 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर होना। व्हाई वी ऐड दिस 5 सेंटीमीटर एज ऑलरेडी मेंशन इन योर कॉपी, के 5 सेंटीमीटर इसलिए हमारा जो बोनी लैंडमार्क है एक्सटर्नल एंगल, so the atrium is 5 सेंटीमीटर below the sternal angle, that's why we have to add this 5 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर plus 5 सेंटीमीटर makes 7 सेंटीमीटर्स of water। यूनिट लाजमी लिखना है यहाँ पे। अच्छा, जेवीपी ऑफ दी सब्जेक्ट इज, यहाँ पे अगेन आप वो लिखेंगे जो आपने मैयर किए, जेवीपी ऑफ द सब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर ऑफ वर्टिकल हाइट अबव द स्टर्नल एंगल विच इज इक्वल टू राइट एट्रियल प्रेशर ऑफ, अब जो एडेड है वैल्यू है वो लिखेंगे, दैट इज 7 सेंटीमीटर ऑफ वाटर विच इज विद इन द नॉर्मल रेंज। यहाँ पे आपने टिक कर देना है, ठीक है।